ओके मेरे किटे लवली लवली 2 3 4 5 ओरिजिनल तेलापिया माछ और इधर सांप अच्छे सो हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉबी ऑफ फिशिंग द सेल्फ प्लेजर ऑफ सेल्फ फुलमेंट This hobby is greatest hobby in the world and many people like to fishing. सोते हुए को जगा देंगे मछली पकड़ने हम भागेंगे आ आ ये मछली ओ ओ ये मछली मछली ही मछली देखो ये मछली बको ध्यानम बगुली की तरह ध्यान लगा के ये बंदा कम से कम 15 मिनट हो गया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसके बाजू में पर ये मेरे को भी नहीं देखा और कंटिन्यूस अपने काम में लगा हुआ है डेडिकेशन के साथ चलिए बातें करते हैं इनसे हेलो मेरा नाम संजय हमरा संजयदार साथे देखछी माछ धरा संजयदार फेवरेट हॉबी होलो माछ धरा तो मैं जस्ट यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक मेरा नजर पड़ा संजयदार पर और मैं सोचा चलो थोड़ा शूट करते हैं इनका हॉबी के बारे में ये इनका बैग देखिए इनके बैग में है चूंकि फिशर हैं ऑब्वियसली इनके बैग में बहुत सामान है फिशिंग से रिलेटेड तो पूछते हैं इनसे इनके बैग में है क्या फिशिंग से रिलेटेड साइकिल की है जो संजय दा एटा की माछ धरा रही आछे लंबा रॉड आछे संजय दा यदि हमारे व्यूअर्स के जन्य यदि एक रॉडटा दिखाते पारो यदि तुम्हारे बैगे छाता हमरा देखते चले जे संजय दार बैगे की की आछे फिशिंग रॉडटा एटा संजय दा एटा बैगेर भितरे एटा छिलो संजय दा फिशिंग रॉडटा देखाछे बहुत हल्का है एल्युमिनियम का बना हुआ है दोस्तों इसके पहले तो मैंने सिर्फ बांस का लंबा फिशिंग रॉड देखा था आज मुझे लग रहा है मेरे को फिशिंग हॉबी के बारे में डीप स्टडी अब करना ही पड़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं भी एक दिन फिशिंग करना चाहूँगा संजय दा बंसी को तो छोटा कर रहे हैं फिशिंग रॉड को छोटा कर रहे हैं पर उनका ध्यान लगातार बंसी में लगा हुआ है तो दोस्तों ये हमें बहुत बड़ा सीख है कि हम कोई भी काम करें उसमें हम फुल्ली डेडिकेटेड रहे एकदम ध्यान लगा के रहे देखिए फिशिंग रॉड गिरा लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं भटका वो बंसी में लगे हुए हैं बार बार उस बंसी की तरफ देख ही रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सीख है सभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी और आम इंसान हम सब के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए हैं पर कोई मछली नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ते हैं एक भैया खड़े हैं उनसे कुछ बातें कर लेते हैं आपने इतने ढूंगे छिलेन कि माने भीतर की देखते वाले तो अंधकार अंधकार एक तो वाला अपना नाम की बोधन बोइतो बोधन बोइतो आपने की मांस धरा आपनार ভালো লাগে খুব ভালো লাগে বাচ্চা বেলা দিয়ে ধরেন কি বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে ধরেন ভিতরে সাপ আছে মানে আপনি মাছ ধরতে গেলে সাপের ভয় আপনার খুব হয় মানে কি সব সব ফিশারের ধরে হয় মাছ কোনোদিন ধরেছেন বসিতে হ্যাঁ চলে আসে মাছ ছোটবেলা থেকে হ্যাঁ তাহলে কি বসি ফেলে পালিয়ে যেতেন না আমাদের ওসব ভয় পায় না আচ্ছা জালে পড়লো জাল থেকে কেটে বার করে নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা মানে জাল সব দিয়ে ফেলে দিতে হবে তার কোনো ভয় ওকে মেরে কেটে ফেলে দিতে ফেলে দাও হ্যাঁ ফেলে দিয়ে জাল নিয়ে চলে যাই জাল ওই জালে সাপ পড়েছে বলে ফেলে দিয়ে চলে যাবো তা না এই লাভলি লাভলি লে সঞ্জয় দা তাহলে বৃষ্টি হলেই আপনার সাথে দেখা হবে ঠিক আছে তাহলে সিওর আসবো বৃষ্টির পরের দিন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বৃষ্টির দিন না বৃষ্টির পরে দিন বৃষ্টি সকালে হলো হ্যাঁ বিকেলে আসতে পারি বিকেলে আসতে পারি থ্যাংক ইউ ভাই আমি আসছি ঠিক আছে খুব ভালো লাগলো সঞ্জয় দা থ্যাংক ইউ সো মাচ जस्ट मैं निकलने ही वाला था कि संजय दा ने मेरे को पुकार लिया कि अरे अरे कुछ फंसा है कोई एक्टिविटीज हो रही है नीचे वाओ इट्स अबाउट 1:45 मैं खड़ा हूँ यहाँ पे डेडिकेशन के साथ कुछ मिले एंड फील हैप्पी कुछ होने वाला है सो लेट्स सी दोस्तों क्या हो रहा है मिल गया मछली 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 मछली
तो दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, एट लास्ट मछली मिल गया। এটা কি দাদা কি মাছ? লাইলনটিকা? লাইলনটিকা সাইজ তো খুব ভালো আছে। নর মাছ। এটা কি করে বুঝলে? সাইজ কি মোটা থাকে? না, এই লাল কালারের কোনো নর মাছ। किसी ने सच ही कहा है, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। देखिए दोस्तों, मैं इंतजार करता रहा और ये फल मिला, संजय दा का फर्स्ट फिश। आई होप आज वो बहुत मछली पकड़े और हम लोग शूट कर पाए। फिर से एनर्जी वापस आ गया और अब थोड़ा और रुकना है, देखना है और क्या हो रहा है। एक मछली पकड़ा और मन और लग रहा है कि और आएगा, और मछली आएगा। दो दिन हो गया बेटा कि इसे जले रखे दिले बेचे थक बे अच्छा भेजे रखे देता हूँ। तो संजय दा अपना सेकेंड टॉप रेडी करते हुए, वो टॉप में देखिए केचुए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें नाइट क्रॉल अर्थवर्म्स कहते हैं, केचुए कहते हैं। ये लंबे होते हैं काफ़ी, रेड और ब्लैक, थोड़ा मडी कलर के होते हैं और बहुत जूसी होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे फिश बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। पानी में जाके थोड़ा चमकते भी हैं। केचुर जगह और अन्य कुछ तो देते पड़े मानुष केचु ही क्या सब माच खाए। संजय दा ने और भी इन्फॉर्मेशन दिया कि ये चूंकि बहता हुआ पानी है तो ये केचुआ डालते हैं, जिससे ये इनका जो फूड है वो बह नहीं जाता है। यानी ये जो टॉप है मछली को खाने का वो नहीं बह जाता है, वो काफ़ी देर तक बना रहता है और जितना देर तक बना रहेगा उतने देर तक मछलियों को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ, ये मछली कहाँ पकड़ रहे हैं। ये कोलकाता में है और कोलकाता में ठीक सिटी सेंटर और इको पार्क, देखिए इधर इको पार्क है, फेमस पार्क है। इको पार्क और सिटी सेंटर के बीच में ये जगह है, सामने इको पार्क है और ये मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। और ठीक यहाँ पे एक छोटा सा एक मेन होल है, एक नाला है, तो उसमें ये मछली पकड़ रहे हैं। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट मछली तो पकड़ लिए, वो बहुत जल्दी बहुत सारे मछली हम लोग कैच कर लेंगे। फिर से कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है संजय दा को। देखिए देखिए देखिए, बोलते ना बोलते ही सेकंड मछली हमारे पास। ओरिजिनल तेलापिया माछ, ओरिजिनल की कोड़े बुझले, इटा ओरिजिनल कालो बोले ओरिजिनल तेलापिया माछ। तेलापिया। तो व्यूअर्स देखिए, अभी तक 45 मिनट तक एक मछली नहीं था, 10 मिनट में हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मछलियां अभी 10 मिनट के अंदर पकड़ लिया है। तो ये होता है लक का खेला, किस्मत कब कैसे पलटे कोई नहीं जानता, बस हमको ध्यान लगा के अपने काम में लगे रहना है। ये सीख है संजय दा का। संजय दा सबको बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ध्यान लगा के काम करते, हिम्मत और धैर्य जो धरे सोई जीवन में सफल होए। आज ये सीख हमें संजय दा से एकदम यथार्थ रूप में मिल रहा है। बाय दीदी हमारे व्यूअर्स से। थैंक यू संजय दा, आज से हैं, बाय।